उत्तराखंड सरकार द्वारा फिटनेस सेंटर डोईवाला बनाने और 10 साल पुरानी गाड़ियों का परमिट खत्म करने का विरोध जताते हुए सोमवार को ट्रांसपोर्ट व्यापारियों ने हरिद्वार में परिवहन विभाग और उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंका। परिवहन सचिव से भी, परिवहन कमिश्नर से भी कि जो ये नीतियां हमारे ऊपर लागू करी जा रही है, तालिबानी फरमान हमारे ऊपर जो लागू करे जा रहे हैं, हम इस जो नीतियों से जो है बहुत आहत है, क्योंकि जो गाड़ियाँ 10 साल के इन्होंने समय सीमा तय करी है, जब तक हमारी गाड़ियों का फ्री होने का टाइम आता है तब तक ये गाड़ियाँ कबाड़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। हम लोगों के हाथ जो भी कमाई का एक भी पैसा नहीं लगेगा, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो ये फिटनेस सेंटर इन्होंने प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिए हैं उसका पुरजोड़ से विरोध है। जो काम हमारा 500-700 रुपये में हरिद्वार आरटीओ में होता था, वहाँ पर इन्होंने दलाली प्रथा को बढ़ावा देते हुए 10,000 रुपये गाड़ी की कम से कम फिटनेस होगी, ये नियम है। क्योंकि दिल्ली में भी ऐसे सिस्टम है और उत्तराखंड सरकार ने उसकी नीति के ऊपर यहाँ पे भी आगे बढ़ावा प्राइवेट सेक्टर को देने को करा है। नहीं मांगे मानी गई तो देखिए जो हमारा महासंघ नीति बना के चल रहा है। इस दौरान ट्रांसपोर्ट व्यापारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा डीजल वाहन और फिटनेस को लेकर जो नई नीति बनाई गई है उसको लेकर उसका विरोध लगातार जारी है। उत्तराखंड के जितने भी परिवहन विभाग में फिटनेस होती थी गाड़ी की, उनको प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया है और वो प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं, अवैध वसूली कर रही हैं। परिवहन व्यवसाय बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है। वैसे उत्तराखंड में चाहे 6 महीने 4 महीने का काम है, पर ये सरकार ये समझने को तैयार नहीं है कि व्यवसाय देने की बजाय व्यवसाय को छीन रही है। उत्तराखंड में इतना पलायन है, अगर ये ऐसे ऐसे नियम और शर्तें लाएंगे तो क्या होगा? पलायन होगा। जो व्यवसाय नहीं दे सकते, कम से कम अपना जनता के प्रति ऐसा आभार तो करें कि उसको पलायन पे मजबूर ना करें। यहाँ लोग इतने सक्षम नहीं है कि नई नई गाड़ियाँ लाएं, ये 10 साल पुराने ऑटो विक्रम को बंद कर रहे हैं। हमेशा सरकारों ने, जो पहले भी सरकारें चली हैं, उन्होंने अल्टरनेट दिए हैं, जनता को सुविधाएं दी हैं, ये जनता की जो सुविधाएं हैं उनको छीन रहे हैं पर्यावरण के नाम पे, एनजीटी के नाम से। इन्होंने इतने वर्षों से गंगा जी को साफ नहीं कर पाई एनजीटी, और आज इन्होंने फिर पॉल्यूशन का हमारे पे ये थोप दिया है। एनजीटी का क्या मानक है आज तक जनता को ये एनजीटी नहीं बता पाई, ना मुख्यमंत्री ये बता पा रहे हैं कि एनजीटी के मानक है, ना परिवहन मंत्री बता पा रहे हैं कि एनजीटी चाहते हैं। हमें यथावत स्थिति में इसको रहने दिया जाए। आने वाले समय में अगर एनजीटी का कोई प्रस्ताव आता है तो हम उसको मानने को तैयार है, पर ऐसे प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं है जो जन विरोधी हो और परिवहन व्यवसायी और परिवहन के लिए जो हमारे लिए दुखदायी हो जाए, ऐसी शर्तों का मानने को तैयार नहीं है। हमारी फिटनेस है, जो इन्होंने फिटनेस सेंटर बनाए हैं वो हरिद्वार में यथावत स्थिति में वापस भेजे जाएं। पिछले 29 तारीख को ये जो गई है इसमें हम परिवहन कार्यालय गए थे, सभी लोग उत्तराखंड के महासंघ के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया था और सूचना दी गई थी कि इस तरह की जो निजीकरण किया गया है फिटनेस सेंटर को लेके, निजीकरण ना हो, जब लाख लाख रुपए की सैलरी विभाग में अधिकारी ले रहे हैं तो क्या जरूरत रहेगी निजीकरण करने की? अगर ले रहे हैं तो इनकी छुट्टी कर दी जाए, आरटीओ का कोई मतलब नहीं है, इन्हें बंद कर दिया जाए। यार इसके बावजूद भी इनके द्वारा एक 2018-19 मॉडल जो गाड़ियाँ दी थी टेम्पो ट्रेवलर वाले लोगों को, उसमें GPS सिस्टम लगा हुआ था और विभाग ने पास किया है। आज वो प्राइवेट सेंटरों में जाकर वो फेल हो रहा है क्योंकि उनका उनका सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं जो लोगों के सामने आ रही हैं, जो नहीं आनी चाहिए थी। सरकार कहीं ना कहीं जल्दबाजी में बोगलाट में है और इनके मंत्री गलत फैसला ले रहे हैं, गलत फैसले लेने को धामी जी को उखा रहे हैं। कृपया धामी जी से निवेदन है, आप मीडिया के माध्यम से, मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, ये बात हमारी वहाँ तक पहुँचाई जाए कि सबसे पहले वो एक काम करें, अपने कैबिनेट को बैठाकर इस जो कानून बनाए थे वापस लिया जाए, इन लोगों को राहत दी जाए। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट वेबसाइट ने कुछ दिन पूर्व चक्का जाम करने की घोषणा की थी।